गिरीश जुड़ चुके हैं। गिरीश जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, मेरा सवाल है जियो फाइनेंस सर्विस है 1,000 2018 में 5 साल का व्यू रख रहा हूँ, मेरे को 700 मिल जाएगा क्या? 5 साल का व्यू जी जी। गिरीश जी कोई खास वजह, क्योंकि जियो फाइनेंशियल्स तो अभी कारोबार भी ठीक से शुरू नहीं हुआ है इसका, ये क्या अलॉटमेंट में मिला था या आपने अभी थोड़ी देर पहले फ्रेश खरीदारी की थी? हाँ वही वही जी, अभी मैं 2 महीना हुआ बस। हेलो, अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए हाल ही के लिस्टेड प्लेयर है जी। आपका सवाल, बिल्कुल बिल्कुल गिरीश जी का सवाल ले लेते हैं हम। सौरभ जी आप सलाह दीजिए, जियो फाइनेंशियल्स क्या सही सिलेक्शन है? ज्यादा समय नहीं हुआ है और बहुत बड़े नुकसान में भी नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस के सिचुएशन है अभी फिलहाल इनके साथ, तो क्या जियो फाइनेंशियल्स अगले 5 साल के लिए सही चुनाव है या फिर कुछ बदलाव कर लेना चाहिए इन्हें? नमस्कार पूजा जी, देखिए जियो फाइनेंशियल एक अच्छे ग्रुप कंपनी है, एक रिलायंस समूह की कंपनी है, इसलिए एक सबका जो आउटलुक रहता है काफी पॉजिटिव रहता है, क्योंकि रिलायंस काफी जो ग्रोथ है वो काफी ओरिएंटेड बिजनेस में है और वो अपने बिजनेस को बहुत तेजी से आगे लेके जाते हैं। अभी जो जियो फाइनेंशियल में अगर आप देखेंगे तो लार्जली जो इक्विटी है वो इनके पास ट्रेजरी है और थोड़ी जो इक्विटी है वो उसी हिसाब से बाजार वैल्यूएशन कर रहा है। अभी कोई ऐसे संकेत नहीं मिले हैं कि कंपनी किस तरह से कारोबार बढ़ाएगी, हालांकि ऐसा जरूर माना जा रहा है कि जब कंपनी कारोबार अपना विस्तार करेगी, फाइनेंशियल सर्विसेज में पेनिट्रेट करेगी तो काफी अच्छी तरीके से करेगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। मुझे लगता है फिलहाल के लिए एक कॉन्ट्रेरियन कॉल है, बाजार ने जो इसकी प्राइसिंग कर रखी है वो होल्डिंग कंपनी से कहीं ज्यादा कर रखी है, क्योंकि ऐसा मान रहे हैं कि ये बिजनेस अच्छा करेगी, तो ऑलरेडी प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता नहीं कि तब तक स्टॉक चलेगा जब तक कुछ अर्निंग्स में हमें ऐसा नहीं दिखता या मैनेजमेंट से हमें ऐसा नहीं लगता कि वो किस ग्रोथ पे जाएंगे और किस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ ये कॉन्ट्रेरियन कॉल है। अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में इसका एक छोटा सा ही हिस्सा खरीदा है तब तो ठीक है, अगर सिर्फ यही शेयर है तो मुझे लगता है यहाँ पर आप अपनी होल्डिंग को थोड़ा कम कर लें।